इधर लखनऊ में सीएम योगी ने भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने पिछली सरकारों पर हमला बोला तो केंद्र की मोदी सरकार की तारीफों में कसी जगह पर उन्होंने दावा किया कि आज यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। ये बीजेपी कार्य समिति की बैठक में हुआ जब मुख्यमंत्री ने संबोधित किया लोगों को वहां पर और कहा कि मोदी सरकार शानदार काम कर रही है और विकास के नए मानदंड स्थापित हुए हैं। विपक्ष पर उन्होंने हमला बोला, पिछली सरकारों पर उन्होंने हमला बोला और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई दी। ये कहा कि 8 सालों में देश नई दिशा में आगे बढ़ा है। पिछली सरकारों को उन्होंने निशाने पर लिया और कहा कि पिछले कुछ वर्षों में धारणा बदली है देश को लेकर और प्रदेश को लेकर। आठ वर्षों में देश एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा है। एक नया विश्वास भारत की 135 करोड़ की आबादी के मन में देखने को मिल रहा है। भारत एक नए भारत बनने की ओर अग्रसर है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना हमें अपनी आंखों के सामने बहुत स्पष्ट दिखाई देता है और जीवन के हर क्षेत्र में विगत 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई प्रगति अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और यह इस नए भारत को दुनिया के नेतृत्व के रूप में हम प्रस्तुत करते हुए देख रहे हैं। यह हम सब के लिए गौरव का क्षण है। मैं देखता हूं आज भी विपक्षी दलों के लोगों को यह लगता है कि शौचालय बनाने का काम एक सामान्य कार्य है, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन भाइयों बहनों, यह एक बहुत यानी पूरी भारत की तस्वीर को बदलने वाला कार्यक्रम है। कार्यक्रम इस रूप में 2014 के पहले अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर गांवों में जाते थे, गांव की गलियां पैदल चलने लायक नहीं होती थी, गंदगी का अंबार होता था, बदबू देखने को मिलती थी। स्वच्छ भारत मिशन के बाद, इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू होने के बाद आज गांव साफ। और एक बहुत बड़ी अपडेट लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में। अनिल कुमार सिंह पुलिस उप महानिरीक्षक पीएसी लखनऊ बनाए गए। संतोष कुमार सिंह अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी बनाए गए। श्लोक कुमार सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी बुलंदशहर बनाए गए। आलोक प्रियदर्शी पुलिस अधीक्षक रायबरेली नियुक्त किए हैं। अजीत कुमार सिन्हा पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर यानी आलोक प्रियदर्शी एसपी रायबरेली और अजीत कुमार सिन्हा एसपी अंबेडकर नगर बनाए गए हैं। 11 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर, बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से। विवेक त्रिपाठी इन ट्रांसफर्स पर और ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। बताइए विवेक। देखिए राजेंद्र, बहुत पहले से ये सूची तैयार थी आईपीएस के ट्रांसफर की लिस्ट की और 11 आईपीएस के तबादले आज हो गए हैं और इनमें वही आईपीएस हैं जो एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को पहले बताया था कि इसमें 2 अफसर ऐसे हैं जो डीआईजी पद पर प्रमोट हो गए लेकिन छोटे जिलों में एसपी के बतौर तैनात थे। उसमें जो देवरिया के एसपी थे, एसपी ऑब्लिक डीआईजी श्रीपति मिश्रा, उनको हालांकि श्रीपति मिश्रा का रिटायरमेंट अगले ही महीने है तो उनको उम्मीद जताई जा रही थी कि रोका जा सकता है, लेकिन उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया और उनको पीएसी मुख्यालय लखनऊ भेजा गया है। इसी तरह से और भी अफसर हैं, लेकिन जो कहा गया था कि कमिश्नरेट यानी कानपुर और वाराणसी कमिश्नरेट के कुछ बड़े अधिकारी आईपीएस भी ट्रांसफर होंगे तो वो भी कमिश्नरेट पे तैनात अधिकारियों को भी ट्रांसफर किया गया है। और ये सूची बहुत दिनों से तैयार थी और ईद के दौरान इसको जारी होने की उम्मीद थी कि ईद के दौरान ही जारी हो जाएगी, लेकिन किसी वजह से रुकी हुई थी और आज ये सूची जारी कर दी गई है। अभी इसमें और भी नाम हो सकते हैं, जैसे जो कई जिलों के जो नए पुलिस ऑफिसर थे जो शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पहला जिला देखा है, जैसे श्लोक कुमार को रायबरेली से हटाकर एसएसपी बनाया गया है और अच्छे अफसर माने जाते हैं तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से और भी अधीक्षक है, उनको श्लोक कुमार को बुलंदशहर भेजा गया है। तो अम्बेडकर नगर में आलोक प्रियदर्शी है, उनको रायबरेली भेजा गया है। तो ये दोनों संवेदनशील जिले, पॉलिटिकली एक्टिव जिले माने जाते हैं तो यहाँ पर एक समझदार अफसर की तैनाती होनी है। इसी तरह से जो अन्य अफसर है उनको भी अच्छी जगह दी गई है, जैसे डीजीपी मुख्यालय में
जो कार्मिक थे देशरूप सिंह, उनको कानपुर आउटर का एसपी बनाया गया है। यानी ये इसकी पहली पोस्टिंग है, तो अभी नए अधिकारी हैं वहां पर। जो कानपुर आउटर है वो अभी, चूंकि कानपुर कमिश्नरेट बनने के बाद चार पांच थानों का एक अलग जिला आउटर बना है, वहां पर उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो आगे इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जो कानपुर कमिश्नरेट के डीजीपी है संकल शर्मा, उनके ये चर्चा थी पहले की कानपुर और वाराणसी कमिश्नरेट के कई अफसरों को अच्छी पोस्टिंग मिलेगी। तो संकल शर्मा को देवरिया का एसपी बनाया गया है, जहां पर अभी तक डीआईजी प्रमोशन के बाद डीआईजी बने थे। श्रीपति मिश्रा वो तैनात थे। देवरिया भी पॉलिटिकली सेंसिटिव जगह मानी जाती है, वहां पर संकल शर्मा को भेजा गया है। और ये जो अधिकारी है, ये इनकी जो छवि है बहुत अच्छी है। सभी अधिकारियों की कोई भी ऐसा तबादला नहीं है जो विवादित हो या किसी शिकायत के चलते हो। सिर्फ सीएम के इंतजार में ये सूची रखी हुई थी। ठीक है, आप कह रहे हैं ये सारे जो पोस्टिंग्स हैं ये बहुत योग्यता के आधार पर की गई हैं और सारे अधिकारियों की छवि बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका इन ट्रांसफर्स के बारे में बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए।